चलिए बाबा अब हम समझते हैं रूल नंबर 43 सर रूल नंबर 43 आता कब है बाबा देख लीजिए मैंने स्टार्ट किया था सिखाना आपको सेक्शन नंबर 17 सेक्शन नंबर 17 वन बोला जब भी आप कुछ यूज कर रहे हो बिजनेस पर्पस या नॉन बिजनेस पर्पज के लिए तो सर आईटीसी आपको उतना ही मिलेगा जितना रिलेटेड टू तो बिजनेस पर्पज है सर अगर आप कुछ यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई तो आपको आईटीसी उतना ही मिलेगा जितना रिलेटिंग टू तो योर टैक्सेबल सप्लाई है सर और कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा बेसिकली कितना करना पड़ेगा ना कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो उन्होंने बोला सेक्शन नंबर 16 में गवर्नमेंट मेथड करेगी और गवर्नमेंट ने बोला था रूल नंबर 42 रिलेटिंग टू इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का अपोर्शनमेंट जब भी मेरे को इनपुट एंड इनपुट सर्विस लिया है और उसको टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए यूज किया तो कैसे डिविजन करना है वो बोलेगा कौन रूल नंबर फोर्टी सर अगर मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा उसको टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज किया है तो रूल नंबर फोर्टी टू बोलना है था अगर इनपुट एंड इनपुट सर्विस बिजनेस नॉन बिजनेस और टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए यूज किया है तो कैसे अपोर्शन करना है तो बाबा इट वॉज डीलिंग विद टैक्सेबल एन एक्समो बिजनेस लेकिन रूल नंबर आप देखोगे ना तो रूल नंबर फोर्टी थ्री में नहीं बोला गया है जब अगर आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हो उसको बिजनेस नॉन बिजनेस यूज दोनों कर रहे हो तो अपोर्सनमेंट कैसे करना है रूल नंबर फोर्टी थ्री ने नहीं बोला है रूल नंबर फोर्टी थ्री सिर्फ बोलता है कि अगर आपने कोई चीज खरीदा है कैपिटल गुड्स खरीदा है और उसको टैक्सेबल और एग्जाम के लिए यूज कर रहे हो तो कितना अपोर्शनमेंट करना है वो रूल नंबर बोल रहा है रूल नंबर डज नॉट डील विद बिजनेस नॉन बिजनेस का अपोर्शनमेंट वो बोलता है कि नॉन बिजनेस पर्पज का मत लीजिए लेकिन अपोर्शनमेंट के बारे में नहीं बोलता है आर वी क्लियर एवरी चलिए तो रूल नंबर फोर्टी जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे उन कैपिटल गुड्स के बारे में जिसको आपने टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए यूज किया है कैसे कितना क्रेडिट आपको मिलेगा कितना आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा वो बोलता है रूल नंबर 43 चलिए बाबा रूल नंबर 43 थ्री का बात करते हैं रूल नंबर 43 थ्री है यहां पे सर ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है मेरे को रूल हाँ बाबा डेंजरस तो है नहीं मैं आपको पढ़ा देता हूं सुन लीजिए डेंजरस तो है नहीं एवरी ओवर हियर डेंजरस तो कुछ भी नहीं है पीपल हियर सर मैंने ये कैपिटल गुड्स लिया नॉन बिजनेस परपज के लिए आईटीसी मिलेगा क्या हटा दीजिए सर मैंने ये कैपिटल गुड्स लिया है sir, और इसको मैंने यूज किया है टू मेक एग्जाम सप्लाई टीसी मिलेगा क्या हटा दीजिए सर चले आगे सर ये कैपिटल गुड्स लिया टू मेक टैक्सेबल सप्लाई मिलेगा क्या सर मिलेगा क्रेडिट वी क्लियर सर ये गुड्स कैपिटल गुड्स लिया जिसको मैं यूज कर रहा हूं सर टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए तो क्या करोगे तो सर कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा एवरी वन ओवर हियर मैंने आपको बोला चार कैपिटल गुड्स के बारे में सर क्या बोला आपने मैंने बोला मैंने एक कैपिटल गुड्स खरीदा जिसको मैं नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस क्या करना है हटा दीजिए नहीं बात करना उसका सर मैंने कैपिटल गुड्स लिया एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई क्या करोगे आईटीसी मत लेना सर मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा है जिसको मैं यूज कर रहा हूं फॉर एन एग्जाम्पल इसको टैक्सेबल सप्लाई के लिए इंक्लूडिंग जीरो रेटेड एक्सक्लूसिवली मिलेगा पूरा मिलेगा सर मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा है जिसको मैं टैक्सेबल भी यूज कर रहा हूं exempted भी यूज कर रहा हूं तो टैक्सेबल सप्लाई सप्लाई रिलेटेड रिलेटेड मिलेगा exempt supply related नहीं मिलेगा इतना ही बोला है इस रूल ने बहुत छोटा सा रूल है बाबा क्या बोल रहा है रूल देखिए सर आप सारे इन्वॉइस लीजिए ये इनवाइस है इसका इस ये इनवाइस है रिलेटिंग टू योर नॉन बिजनेस परपज क्या करोगे मत लीजिए सर ये है इनवॉयस रिलेटिंग टू योर एग्जाम सप्लाई क्या करना है मत लीजिए एक्सक्लूसिवली एग्जाम सर ये इनवॉयस है रिलेटिंग टू माई अदर देन एग्जाम सप्लाई मतलब नॉन एग्जाम सप्लाई एंड इंक्लूडिंग जीरो रेटेड मतलब टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेट क्या करूं ले लो सर ये है जिसको मैंने टैक्सेबल के लिए भी यूज किया और एग्जाम के लिए भी टैक्सेबल के लिए भी यूज किया एग्जाम के लिए भी यूज किया है तो गवर्नमेंट ने बोला है अपोर्शन करना पड़ेगा कुछ, पड़ेगा कुछ लेना पड़ेगा कुछ लेना नहीं पड़ेगा लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक मेथड बताया बोला गवर्नमेंट ने बोला सर एक काम कीजिए जो भी आपने गुड्स खरीदे ये आपने यूज किया नॉन बिजनेस के लिए हटा दीजिए सर ये आपने यूज किया फॉर एग्जाम सप्लाई हटा दीजिए सर ये मैंने टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड के लिए क्या कर क्या करना है ले लीजिए सर ये जो है जिसको आपने कॉमनली यूज किया फॉर टैक्सेबल एंड एग्जाम टैक्सेबल एंड एग्जाम उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है आधा लोगे आधा नहीं लोगे कैसे करोगे गवर्नमेंट ने बोला आज पूरा क्रेडिट ले लो आज पूरा क्रेडिट ले लो मतलब मैंने इसका पूरा क्रेडिट ले लिया अब गवर्नमेंट ने बोला फॉर एन एग्जाम्पल साठ हजार का क्रेडिट था मैंने पूरा ले लिया गवर्नमेंट ने बोला अब लेने के बाद एक काम करो साठ हजार के टुकड़े करो साठ कितने टुकड़े करोगे सिक्सटी पीसेस मेक सिक्सटी पीसेस क्लियर आपने 60 पीसेस किए मतलब 60 मंथ्स में डिवाइड किया पहले आपने पूरा क्रेडिट ले लिया कितना क्रेडिट लिया आपने पूरा साठ हजार. हजार था पूरा क्रेडिट ले लिया लेकिन ये हजार जो लिया आप एलिजिबल थे क्या नहीं थे तो गवर्नमेंट बोलेगा आप एक काम कीजिए इसको साठ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए पहले आप ले लीजिए उसके बाद अब आप आपको रिवर्सल करना है कितना रिवर्स करोगे इस मंथ का हजार रुपया का क्रेडिट है ये ऑलरेडी ले चुके हो हजार रुपया है ये

इतने सारे एसेट्स का इनवाइस मिला मेरे को क्लाइंट ने दिया मैं क्या करूंगा सर सुनिए ये एक उठाऊंगा नॉन बिजनेस हटा दे बाबा सर पर्सनल पर्पस नॉन बिजनेस मैंने ऑलरेडी बोल दिया हटा दे पहले सर मैंने क्या हटाया पहले सबसे अगर कोई भी नॉन बिजनेस पर्पज है हटा दो सर फिर मैंने क्या हटाया एग्जाम सप्लाई रिलेटेड हटा दो सर फिर क्या हटाया सर ये मैंने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया बिजनेस पर्पज में टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो सप्लाई मिलेगा 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 सर टैक्स के लिए यूज किया मिलेगा 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 सर ये तो मेरा एग्जाम सप्लाईज एंड टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए यूज किया हॉच पॉच है सर खिचड़ी है ये खिचड़ी का पहले क्रेडिट ले लो हमेशा याद रखना खिचड़ी का पहले क्रेडिट ले लो ये है खिचड़ी

लेकिन इसको डिवाइड किया 60 मंथ में गवर्नमेंट ने बोला ये मंथ पहला महीना का कितना होता है हजार रुपया होता है गवर्नमेंट बोलेगा हजार जो क्रेडिट है मल्टीप्लाइड बाय एग्जाम डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर एग्जाम सप्लाई दस लाख है टोटल टर्नओवर चालीस लाख है सर टेन डिवाइडेड बाय फोर्टी टू फिफ्टी रुपीज आपको नहीं बनता है मतलब देखिए ये एसेट यूज करके ये एसेट का क्रेडिट था हजार रुपया कुछ आपने एसेट यूज किया सप्लाई। कुछ एसेट यूज किया, किया? टर्नओवर के बेसिस पे ये निकालिए ये सप्लाई ऑलरेडी ले लिया है तो ये आप गवर्नमेंट को वापस दे दीजिए विथ इंटरेस्ट ये तो आपने ऑलरेडी ले लिया है इतना ही बोला है गवर्नमेंट ने चले आगे सर ये तो समझ में आ गया है कुछ भी नहीं है देखिए बाबा अब मैं आपको बता देता हूं सुन लीजिए अब मैं ड्राइंग ड्राइंग करके बताता हूं ठीक है आई लवरी वन ओवर देखिए ये मेरा पूरा साल था ये पूरे साल में मैं बात करता हूं फॉर एन एग्जाम्पल जुलाई मंथ का जुलाई में मैंने एक एसेट खरीदा नॉन बिजनेस पर्पज के लिए क्या करूं आईटीसी नहीं मिलेगा सर मैंने एक एग्जाम सप्लाई के लिए खरीदा आई नहीं मिलेगा मैंने एक टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एग्जाम सप्लाई छोड़ के सारे होते हैं नॉन एग्जाम सप्लाई जिनको मैं टैक्सेबल रेफर कर रहा हूं मिलेगा नहीं मिलेगा आईटीसी मिलेगा कोई इश्यू नहीं है पूरा आईटीसी आपको ई क्रेडिट लेजर में मिल जाएगा चले आगे तो सर अब मैंने एक एसेट यूज किया जिसको मैं टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए यूज कर रहा हूं उसको बोलते हैं कॉमन एसेट कॉमनली यूज्ड सर मैंने एक एसेट यूज किया जिसको कॉमनली यूज कर रहा हूं कॉमनली अगर यूज कर रहा हूं तो गवर्नमेंट बोल रहा है उसके क्रेडिट को तो अपोर्सन करना पड़ेगा उसको नाम दे दो ए ठीक है समझ लीजिए उस पर जीएसटी मैंने पे किया सिक्सटी थाउजेंड गवर्नमेंट ने बोला पहले इसको क्रेडिट ले लो ई क्रेडिट लेजर में क्लियर है फिर सर एक काम कीजिए समझ लीजिए इस महीने मैंने और एक एसेट खरीदा कॉमन यूज के लिए ए ए बोलिए ए जिसको अपोर्शन करना है ए कितना हुआ समझ लीजिए इस एस एसेट पे मैंने एक लाख बीस हजार रुपए वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड दिए ये भी आप डालिए क्रेडिट तो आप पहले ले लोगे टोटल कितना हुआ वन लाख एटी थाउजेंड यस और नो ए ए को ऐड कीजिए तो टोटल क्रेडिट आ गया टी सी टोटल क्रेडिट आ गया टी सी सर ये जो क्रेडिट था सुनिए सर क्या हुआ एसेट यूज किया नॉन बिजनेस के लिए हटा दिया सर एग्जाम सप्लाई के लिए हटा दिया टैक्सेबल सप्लाईज के लिए ले लिया और सर ये दो एसेट थे जो मैंने कॉमन यूज किए एक पे साठ हजार का क्रेडिट है एक पे एक लाख बीस का क्या करूं पहले ले लो अब क्या करूंगा सर अब इसको डिवाइडेड बाय सिक्सटी करूंगा फाड़ दे सिक्सटी से डिवाइड कर दे सर सिक्सटी से डिवाइड करूंगा तो एक मंथ का आया तीन हजार रुपया तो सर ये जो टोटल क्रेडिट है इसको आपको डिवाइड करना है किस से सिक्सटी से तो आपको मंथली पोर्शन आएगा मंथली टोटल क्रेडिट को डिवाइड करोगे सिक्सटी से तो आएगा टीएम जो है मंथली पोर्शन कितना है थ्री थाउजेंड बाबा एग्जाम में मंथली पोर्सन मतलब क्या है? ये एमओ वगैरह का नाम जो दे रहा हूं ना ये नाम मैंने दिया है बुक में नहीं है टोटल क्रेडिट को डिवाइड करोगे सिक्सटी से तो मंथली पोर्शन आएगा टीएम एम फॉर मंथली पोर्सन जो है ये तो आप ऑलरेडी ले चुके हो सर इसको इन टू बाई एफ सर समझ ली तीन हजार है, सप्लाई का था दस लाख टोटल टर्न था तीस लाख सर एग्जाम सप्लाई का टर्न था ना ये तो एक काम कीजिए टीएम जो था ना उससे आपको टैक्स रिलेटिंग टू तो एग्जाम सप्लाई निकालना है टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई तो तीन हजार इन एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर, ओवर टर्न समझे तो, एग्जाम सप्लाई का दस है टोटल है तीस लाख तो सर क्या होगा वन थाउजेंड आएगा टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सर इससे वन थाउजेंड निकालिए इसको अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में डाल दीजिए ये तो ऑलरेडी आपने ले लिया है, ये जाएगा आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में क्लियर है अब सुनिए मैं फिर से बोल देता हूं सुनिए ये मैंने स्टार्ट किया ईयर ये मैं बात कर रहा हूं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जुलाई में मैंने मेरे बिजनेस से एक एसेट खरीदा जिसको यूज कर रहे हैं नॉन बिजनेस पर्पज के लिए क्या करोगे आईटीसी नहीं लोगे सर नंबर टू मैंने एक एसेट खरीदा ओनली फॉर एग्जाम सप्लाई आई टी सी नॉट अवेलेबल सर नंबर थ्री मैंने एक एसेट खरीदा फॉर नॉन एग्जाम सप्लाई मतलब टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई उसको हम बोल रहे हैं नॉन एग्जाम न आई गो हेड आई टी सी अवेलेबल पूरा आई टी सी आपको कहा मिलेगा ई क्रेडिट लेजर में कोई इश्यू है यहां तक कोई इश्यू नहीं है सर यहां पे फोर्थ में मैंने क्या किया एक, एक एसेट खरीदा कॉमन यूज के लिए कॉमन यूज के लिए मैंने एक एसेट खरीदा जिसको मैं टेक्सट सप्लाई प्लस जीरो एटेड प्लस एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज करूंगा उसका क्रेडिट था सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का क्या करूं मैं ई क्रेडिट लेजर में ले लो क्रेडिट ले लो पहले सर मैंने एक और कॉमन एसेट खरीदा जिसको मैं यूज करने वाला हूं इसके क्रेडिट को बोलते हैं ए क्या बोलते हैं ए जिसको आपको अपोर्शन करना है और एक खरीदा जिसको मैं टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज कर रहा हूं उसको भी आप क्या बोलोगे ए इसका क्रेडिट समझ लीजिए एक लाख अस्सी हजार है कितना है वन लाख एटी तो टोटल कितना हो गया उजेंड का क्रेट हो गया इसको मैं क्या करूं? ले मैं ले, ले लीजिए तो ये जो A और ए है ना A, A, एक कॉलेज में लड़ाई हुई तो बच्चे बोला तो प्रिंसिपल ने उसे दे दिया, तो आ गया टीसी बाबा टीसी मतलब टोटल कॉमन क्रेडिट कैन आई गो अहेड एवरीवन टोटल क्रेडिट ऑन द कॉमन यूज वाला एसेट्स बेसिकली सी 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 मतलब टोटल क्रेडिट एसेट्स दिच आर कॉमनली यूज्ड कितना है टू लैख फोर्टी सर ये तो टोटल है इसका तो क्रेडिट मैंने ले लिया अब क्या करूं अब एक काम कीजिए इसका मंथली पोर्शन फाइंड आउट कीजिए टू पॉइंट फोर लैख डिवाइडेड बाई सिक्सटी कितना हुआ तो ये हो गया मंथली पोर्शन फोर थाउजेंड मतलब इसको जब आपने सिक्सटी से डिवाइड किया तो आपको मिल गया मंथली पोर्शन सर मंथली पोर्शन तो मिल गया ये मंथली पोर्शन तो आ गया सर फोर थाउजेंड इससे एग्जाम सप्लाई रिलेटेड मेरे को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना है क्या करूं एग्जाम सप्लाई रिलेटेड होगा फोर थाउजेंड इन टू मतलब टीएम जो निकला इन टू सर क्या होगा टीएम इनटू इन टू ई बाई एफ एफ मतलब टोटल टर्न ओवर एम टीएम क्या है मंथली पोर्शन कितना है फोर थाउजेंड इन टू एग्जाम सप्लाई समझ लीजिए दस लाख का है टोटल टर्नओवर समझ लीजिए पचास लाख है और चालीस लाख है बोलिए सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड आएगा वन थाउजेंड ये जो चार हजार था इससे मैं एक हजार कहां एड करूंगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दूंगा ये तो ऑलरेडी मेरे को मिला ही है दिस विल बी एडेड टू योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ये समझ में आया सर ये तो था फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आपने क्या किया राइट एन एग्जाम्पल अब क्या करोगे ना सर ये तो जुलाई मंथ का बात हुआ अब अगस्त में क्या होगा सर सुनिए सर अगस्त में ये अगस्त है ये जो चा, चार हजार रुपया था तो ये तो एग्जाम सप्लाई रिलेटेड मंथली पोर्शन था ना अब ये जो मंथली पोर्शन है फिर आप चार हजार इस मंथ में लाओगे फिर इस मंथ का ये देखिए इतना सारा पोर्शन था ना पहला मंथ तो पहले पोर्शन का एग्जाम सप्लाई वाला पोर्शन दे दिया गवर्नमेंट को सेकेंड मंथ क्या करोगे सेकेंड मंथ फिर एक पोर्शन पकड़ी है फिर इन टू सर ये हो गया टीएम इस महीने के लिए सर टीएम फिर ये अगस्त का है फिर सेप्टेंबर मंथ के लिए भी एक फोर थाउजेंड रुपीज है ये मंथली पोर्शन आप साठ महीने तक ये काम करना पड़ेगा आप 60 करना पड़ेगा बेटर है कि खरीदिए मत जिसको आप कॉमन यूज कर रहे हो राइट सुनिए सर चार हजार रुपया होगा चार हजार इंटू एग्जाम का टर्नओवर समझ लीजिए बीस लाख है यहां पे टोटल टर्नओवर 40 चालीस लाख है कितना होगा टू थाउजेंड आपको अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में इन द मंथ ऑफ सर इसका टू थाउजेंड निकालिए ये तो ऑलरेडी ले चुका है आपने पूरा ये 2000 ऐड कर दीजिए अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में चलें फिर सितंबर में होगा सर सितंबर में क्या होगा सुनिए सितंबर मंथ में फिर से ये 4000 है, है इधर मंथली पोर्शन बाबा ये जो कर रहे हो ना आप कार्यक्रम ये 60 मंथ्स तक करना है यहां पे एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्या होगा फॉर एन एग्जाम्पल फोर थाउजेंड कंप्लीटली दस लाख का टर्न ही था और टोटल एग्जाम सप्लाई का टर्न था तो जो चार हजार है सर देखिए इस मंथ चार हजार रुपया था ये टोटल एसेट मैंने इस महीना यूज किया है फॉर व्हाट किस लिए यूज किया है एग्जाम सप्लाई के लिए तो टोटल रिवर्स कर देना सर कितना रिवर्स होगा चार हजार आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड होगा सर और एक बोलिए ना बोलिए ना सर बोलता हूं सुनिए सर ये चार हजार समझ लीजिए अक्टूबर आ गया ये है अक्टूबर मंथ अक्टूबर ठीक है अक्टूबर में क्या हुआ फिर फोर थाउजेंड था सर यह अक्टूबर मंथ का फोर थाउजेंड था फोर थाउजेंड में से एग्जाम सप्लाई रिलेटेड कितना था एग्जाम सप्लाई जीरो हुआ टोटल टर्नओवर समझ लीजिए दस लाख का था लेकिन एग्जाम सप्लाई हुआ ही नहीं उसमें ना टोटल एसेट आपने किस लिए यूज किया है टैक्सेबल सप्लाई के लिए तो गवर्नमेंट ने बोला पूरा चार हजार सर यह तो जीरो होगा यह तो जीरो होगा और इसका तो आपने ऑलरेडी मतलब रिवर्सल इस महीना करना ही नहीं है क्यों सर क्योंकि पूरे एसेट को मैंने टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया तो जिस महीना जितना एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करोगे उतना रिवर्स करना है समझ में आ गया कैन आई गो हेट एवरी वन यस सर क्लियर है आगे बढ़िए चलिए आगे बढ़ते हैं चलो अब सुन लो अब मेरे को आप बताओगे ठीक है फिर मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करूंगा बाद में इजी है कुछ नहीं है सर अब तो बहुत इजी है सुनिए सर ये जुलाई मंथ था मैंने एक एसेट खरीदा नॉन बिजनेस पर्पज के लिए आई मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मैंने एक एसेट खरीदा कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई के लिए आई मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मैंने एक एसेट खरीदा फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो एटेड मतलब अदर देन एग्जाम सप्लाई नॉन एग्जाम सप्लाई के लिए क्या होगा आई टीसी मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिल जाएगा सर मैंने एक एसेट खरीदा फॉर कॉमन यूज कॉमन यूज के लिए अगर खरीदा उस एसेट का नाम दीजिए ए या ए मतलब उसका क्रेडिट जो है वो अपोर्शन होगा बेसिकली अपोर्शन होगा ए नाम दीजिए कितना हुआ समझ लीजिए साठ हजार का क्रेडिट था ठीक है फिर एक एसेट खरीदा कॉमन यूज के लिए उसको ए लिख लीजिए कितना क्रेडिट होगा साठ हजार टोटल को हम क्या बोलेंगे टोटल कॉमन क्रेडिट एक लाख बीस हजार वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड टीएम आएगा उजेंड डिवाइडेड बाय सिक्सटी इज इक्वल टू मंथली पोर्शन कितना टू थाउजेंड सर एग्जाम सप्लाई दिस इज मंथली पोर्शन एग्जाम सप्लाई रिलेटेड जो है उसका रिवर्सल करना है तो टू थाउजेंड इन टू एग्जाम सप्लाई कितना है दस लाख डिवाइडेड बाय टोटल टर्न ओवर है चालीस लाख बोलिए फाइव हंड्रेड इज रिलेटिंग टू योर एग्जाम सप्लाई इसको आप अपना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड कर दोगे चले सर इसमें कोई डाउट रहा नहीं सर ये तो बहुत सिंपल है टेंशन नहीं है सर चलिए मैं इसको कॉम्प्लीकेट करता हूं थोड़ा कॉम्प्लीट क्या आगे बढ़ते हैं आप सुनिए मैंने इसमें ना एक एसेट खरीदा कॉमन यूज के लिए अब क्या हुआ मैंने मैं ये जुलाई की बात कर रहा हूं मैंने क्या किया जनवरी में एक एसेट खरीदा था नॉन बिजनेस पर्पज के लिए आईटीसी लिया था क्या नहीं सर टैक्सेबल सप्लाईज के लिए खरीदा था आईटीसी मिला था क्या Yes, मिला था ठीक है अब सुनिए मैंने एक एसेट खरीदा था एग्जाम सप्लाई के लिए उसका आईटीसी लिया था क्या सिक्सटी थाउजेंड का आईटीसी था मैंने नहीं लिया था अब यह एसेट को जनवरी में खरीदा है अब जुलाई में मैंने डिसाइड किया कि ये जो एसेट है ना इसको मैं कॉमन यूज करूंगा मेरे पास बहुत ऑर्डर आ गया और मेरे को एक एसेट की जरूरत थी तो जो जनवरी वाला एसेट था उसको मैं यूज करने वाला हूं कॉमनली कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो सर मैंने इसको कॉमन यूज में डाल दिया कॉमन यूज किस एसेट को सर इसको ए बोलेंगे और इधर पूरा सिक्सटी थाउजेंड लिख देंगे ठीक है टोटल बताइए टोटल क्रेडिट हो गया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड यस अब आप क्या करोगे टी एम करोगे विच इज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्सटी कितना हुआ टू थाउजेंड हुआ सर 2000 तो हो गया एग्जाम सप्लाई रिलेटेड कितना होगा 2000 थाउजेंड इन इस महीने का समझ लीजिए 10 लाख का एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर है टोटल टर्नओवर ओवर पचास लाख रुपए का है कितना हुआ फोर हंड्रेड रुपीज इज टू बी एडेड टू यउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कोई डाउट रहा क्या इसमें सॉरी फोर है कुशल बोल रहा है सर फोर है एक जीरो फीलिंग्स में चलिए है चले आगे जो आप सोच रहे हो वही मैं सोचा था चार सौ ही है चले आगे अब सुनिए अब आप बोलोगे सर ये जो जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मे और जून में आपने इसको किसके लिए यूज किया था इस टाइम पे एग्जाम सप्लाई के लिए तो टैक्स रिलेटिंग टू दिस इंट्रीम पीरियड जिसमें आपने इसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया क्या बोलते हैं टैक्स फॉर दिस इंट्रीम पीरियड इंट्रीम पीरियड मतलब ये पीरियड जिसमें आपने उसको किसके लिए यूज किया एग्जाम सप्लाई के लिए उसका क्या सर सुनिए गवर्नमेंट बोलेगा रुकिए रुकिए रमेश ये साठ आपने पूरा कैसे ले लिया मैं बोलूंगा ठीक है कम ले लेता हूं गवर्नमेंट बोलेगा नहीं पूरा साठ ले, ले लेकिन इस टाइम के लिए जब तूने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था ना वो मेरे को वापस दे दे मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि देख साठ का तेरे को साठ नहीं लेना चाहिए तेरे को कुछ पोर्शन कम करके मतलब पांच परसेंट पर क्वार्टर का कम करके लेना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट ने बोला तू कम हुआ मत कर तू पूरा ले ले इधर और इस पीरियड के लिए एक कैलकुलेशन कर जिसको मैं बोलूंगा टी आई ई टी आई का मतलब क्या हुआ टैक्स इंट्रीम पीरियड के लिए जब आपने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था टैक्स इंट्रीम पीरियड ड्यूरिंग द इंट्रीम पीरियड इंट्रीम मतलब ये छह महीना था तो सर साठ का साठ हजार इंटू हाउ मेनी क्वार्टर है जून क्वार्टर हमेशा फिक्स होगा जैन फेब मार्च अप्रैल में जून जुलाई होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना क्वार्टर यूज किया जैन फेब मार्च अप्रैल में जून दो क्वार्टर सर इंटू फाइव परसेंट इंटू टू क्वार्टर कितना है हा सिक्स थाउजेंड ये सिक्स थाउजेंड जाएगा आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में और ये सिक्सटी थाउजेंड का आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा क्लियर है क्लियर है क्या चले आगे यस सर सुन लीजिए आप फिर से सुन लीजिए सर मैंने एक एसेट खरीदा जुलाई का बात कर रहा हूं मैंने जुलाई में एक एसेट खरीदा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज आईटीसी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मैंने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया आईटीसी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा नॉन एग्जाम सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड के लिए यूज़ यूज़ किया, किया आईटीसी मिलेगा क्या? हाँ, सर, ई e में मिल जाएगा। मैंने एक एसेट को किया। ए, मैंने एक एक एसेट एसेट को टू मेक, उसको बोलेंगे चार नंबर एसेट जो मैंने खरीदा वो कॉमन एसेट था थाउजेंड का जीएसटी था सर कॉमन एसेट लिख दीजिए टी टी तो टीएम आएगा कितना थाउजेंड रुपीज सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड कितना होगा थाउजेंड इंटू एग्जाम टर्न ओवर बाई टोटल टर्न ओवर एग्जाम समझ लीजिए दस है टोटल दो बीस है तो पांच सौ रुपया आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में डाल दोगे इतना तो कोई डाउट ही नहीं है अब right? Right, sir. Sir, अब एक काम कीजिए इसको दीजिए बकवास था था मैं बोल रहा हूं, मैंने एक asset खरीदा था यहां पे January में समझ लीजिए के लिए आईटीसी लिया था क्या नहीं टैक्सीबल सप्लाई के लिए आईटीसी लिया था क्या हाँ सर मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम सप्लाई के लिए मैंने एक एसेट लिया था जिसमें साठ का क्रेडिट था मैंने आईटीसी लिया था क्या नहीं अब मैंने सोचा इस एसेट को हम कॉमनली यूज करेंगे कॉमनली यूज करेंगे मतलब बहुत ऑर्डर आ गया है मैंने सोचा अब इसको कॉमन यूज करेंगे कॉमन यूज मतलब ए में डालिए साठ हजार रुपए का क्रेडिट आपके पूल में आ गया और आपने क्या किया एक लाख बीस हजार रुपए यहां लिखे ए ए बोला टी सी टी सी को डिवाइड किया सिक्सटी से और सर टी एम मंथली पोर्शन आ गया दो हजार करेक्ट अब टोटल टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई हो गया दो हजार इंटू कितना 10 लाख एफ है समझ लीजिए 50 लाख तो आप बोलोगे सर टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई है कितना 400 जिसको मैं ऐड कर दूंगा अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में कोई डाउट रहा इसमें नहीं लेकिन गवर्नमेंट फिर बोलेगा रमेश ये साठ तो आपको लेना नहीं चाहिए था यू शुड हैव रिड्यूस फाइव परसेंट पर क्वार्टर और फील लेना चाहिए था लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हमने ही बोला है कि आप पूरा ले लीजिए ठीक है लेकिन आप पूरे के लिए एलिजिबल नहीं थे क्यों सर जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल, मई और जून सर कितने महीने कितने क्वार्टर यूज किए वन जैन मार्च एक क्वार्टर अप्रैल मई जून दो क्वार्टर दो क्वार्टर के लिए आपने यूज किया उसको फॉर मेकिंग एग्जाम सप्लाई तो टैक्स फॉर द इंटीम पीरियड वेन यू हैव यूज इट फॉर एग्जाम सप्लाई ये जो नाम दिया ना मैंने दिया है आपको बुक में नहीं मिलेगा ठीक तो है एवरी वन यस सर टैक्स फॉर द एंट्रीम पीरियड विच इज रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई कितना है है कितना क्वार्टर टू क्वार्टर टू कितना हुआ रुपीज। तो ये आप एक काम कीजिए देखिए पूरा आप ले लीजिए लेकिन ये छह हजार को अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दीजिए क्लियर है तो एक बात बताइए अगर मैं आपको जुलाई मंथ के बारे में पूछूं तो आप क्रेडिट लोगे टोटल कितना एक लाख बीस हजार पहले ये लो लोगे ई क्रेडिट लेजर में सुनिए आप बोलोगे सर ये जो साठ हजार है ये ई क्रेडिट लेजर में जाएगा ये जो साठ हजार है ये ई क्रेडिट लेजर में जाएगा ये जो है ये आउटपुट टैक्स लाइवलिटी में जाएगा ये जो छह हजार है ये आउटपुट टैक्स लाइविलिटी में जाएगा कैन यू टेल मी कि इस महीना आप कितना क्रेडिट लोगे कौन सा कौन सा क्रेडिट लोगे अरे पागल ये क्रेडिट भी लोगे ये भी लोगे और ये भी लोगे ये तो भूल गए ये तीनों लोगे जो नॉन एग्जेप वाला था जो टैक्सल सप्लाई था वो भी लोगे कॉमन क्रेडिट भी लोगे और ये दोनों अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दोगे और गवर्नमेंट को दे दोगे याद आ गया तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कितना क्रेडिट लोगे सर ये 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 तीनों लोगे सर कितना क्रेडिट वापस दोगे सर ये और ये वापस दूंगा आगे बढ़े बाबा अगर कुछ भी लिखना हो ना कभी भी कुछ भी लिखना हो तो पॉज करना अपने दिल खोल के पॉज कीजिए जितना टाइम लगे लिखिए आराम से लिखिएगा कोई इशू नहीं है कैन वी गो एट एवरी वन राइट मेरे को लगता है कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी छप जाएगा ये राइट एवरी वन चलिए आगे बढ़े थोड़ा और बात करते हैं सर मैंने एक एसेट खरीदा इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द मंथ ऑफ जुलाई नॉन बिजनेस पर्पज था आई टी सी लू क्या अरे नहीं लेना है सर मैंने एक एसेट खरीदा फॉर एग्जाम सप्लाई आई टी सी लू क्या नहीं सर मैंने एक एसेट खरीदा फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड मिलेगा क्या आई टी सी मिलेगा सर कहां जाएगा आई टी सी ई क्रेडिट लेजर में आ जाएगा समझ ले इसका आईटीसी है साठ हजार का कोई इशू कोई इशू नहीं है सर ले लीजिए ले लीजिए मैंने एक, एक एसेट खरीदा जिसको मैं कॉमनली यूज करने वाला हूं ठीक है उसका ITC, ए ए पहले आप उसको रेफर कीजिए ठीक ए। है ए करके रेफर कीजिए, सर उसका क्रेडिट साठ हजार रुपए का सर आप साठ क्यों लेते हो बाबा साठ में इजी हो जाता है समझने में कैन वी गो एड, आपको जो मैंने हुआ फिगर डालिए नेक्स्ट सर अब क्या हुआ इतना हो गया अब मैं बोल रहा हूं

सर यहां एक एसेट था जिसको मैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहा था क्या यूज कर रहा था टैक्सेबल सप्लाई के लिए उसका आईटीसी था साठ हजार रुपया मैंने लिया क्या आईटीसी ऑलरेडी ई क्रेडिट लेजर में ले लिया है किसके लिए यूज कर रहे थे टैक्सेबल अब पता है क्या हुआ इतना ऑर्डर आया आपको मशीन का जरूरत पड़ गया टू मेक टैक्सेबल और एग्जाम दोनों और आपने इस एसेट को क्या किया आपने कॉमन पूल में डाल दिया किस एसेट को टेक्सेबल सप्लाई के लिए जो यूज कर रहे थे उसको आपने कॉमन पूल में डाल दिया जैसे ही कॉमन पूल में डाला उसका नाम दे दीजिए ए कितना है सर इसका जीएसटी था साठ हजार रुपया साठ हजार रुपया सर नंबर चेंज कीजिए सर आप नंबर चेंज कीजिए ठीक है बाबा एक लाख बीस हजार रुपए ठीक है चले आगे तो यहां कितना आएगा कॉमन में वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज आएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डालिए सर टोटल कितना हुआ वन लाख एटी इसको क्या बोले ए, ए, टी टीसी दे दिया जाएगा टीसी मतलब टोटल क्रेडिट टीसी अगर स्कूल में लड़ाई किया तो प्रिंसिपल बोलेगा आउट. आउट. बकवास. ठीक है सुनिए अब ये जो क्रेडिट है आप क्या करोगे टीसी को टीसी टीसी मतलब टीएम निकालना है तो इसको डिवाइड बाय सिक्सटी करोगे तो टीएम आएगा कितना आया सर यहां डिवाइड करो यहां करो अरे बाबा जब टीएम फाइंड आउट कर रहे हो तब करना चाहिए 1.8 लाख डिवाइडेड बाय 60 कितना आया टीएम 3000 मैं तो शॉर्टकट के लिए ऊपर डिवाइड कर देता था ठीक है मंथली पोर्शन आ गया 3000 इस मंथ में एग्जाम सप्लाई रिलेटेड कितना यूज किया उस मशीन को सर इस मंथ में एक काम कीजिए तीन हजार इंटू एग्जाम टर्न समझ लीजिए दस लाख है टोटल टर्न समझ लीजिए तीस लाख है ई बाई एफ किया आपने राइट कितना हुआ थाउजेंड रुपीज क्या करोगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड कर दोगे राइट एवरी वन सर सुनिए ना टी आई ई -E निकालिए ना टी आई ई सुनिए टैक्स फॉर द इंट्रीम पीरियड वेन यू हैव यूज इट फॉर वॉट फॉर एग्जाम सप्लाई अरे पागल ये जब टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया था तो टी टीआई -E कैसे होगा क्योंकि टैक्स इज टू बी कैलकुलेटेड ओनली वेन इट इज यूज फॉर एग्जाम सप्लाई

बोलिए बाबा जुलाई महीने में कितना डालोगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में कितना इनपुट लोगे बताइए फटाफट फड़ बताइए जुलाई महीने में कितना क्रेडिट लोगे कितना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जाएगा रिवर्सल करोगे बेसिकली बोलिए सर देखिए पहले तो मैं ये जो आईटीसी है ये ले लूंगा इन माई क्रेट लेजर ये जो कॉमन यूज वाला था ये जो कॉमन यूज वाला है सर ये कॉमन यूज वाला सर ये जो कॉमन यूज वाला है ये तो मैं इक्रेट लेजर में ले लूंगा ये भी लूंगा ये भी लूंगा देखिए ये जो है ना ये वन लैख ट्वेंटी ये ऑलरेडी आप ले चुके हो इेट लेजर में यस और नो जब खरीदा था तब ले लिया था तो अब सब फिर से जब इधर आया तब क्या फिर से इक्रेट लेजर में लोगे नहीं लेकिन बस अब रिवर्सल होगा आर वी क्लियर टी आई ए में कुछ आएगा नहीं आएगा क्योंकि टीआई तभी कैलकुलेट करोगे जब एग्जेम वाला जो एसेट था उसको आप टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो सर देखिए अब यहां पे आउटपुट टैक्स परिटी में खाली यही ऐड होगा आर वी क्लियर एवरी तो सर आपको आईटीसी किसका मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा इसका आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका था और सर ये आउटपुट टैक्स लाइब्रिटी में ऐड होगा आपके एग्जाम में यही आने वाला है सर ऊपर वाले में देखिए ऊपर वाले में क्या हुआ था मैं बताता हूं सर ये जो मैंने आईटीसी है ये मेरे को इ क्रेट लेजर में मिल जाएगा क्योंकि मैंने नया एसेट खरीदा है कॉमन वाला जो है वो भी अभी खरीदा है उसका इ क्रेट लेजर में मिल जाएगा इसका देखिए इसको आपने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था तो आईटीसी नहीं लिया था मतलब ई क्रेडिट लेजर में नहीं लिया था सर अभी इसको आप ई क्रेडिट लेजर में इसका आईटीसी पूरा ले लो क्लियर है क्लियर है यस सर और सर भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने आपने पहले के के लिए ये में आपने इसको सप्लाई के लिए ये 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 में में इसको किया था है है नहीं है। चलिए आगे चलें। अब मेरे को एक बात बताइए ना अगर मैं इसमें तो आपके टैक्स में क्या गया 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 सर ये गया, ये गया, ये गया, और ये तीनों मेरे को क्रेडिट मिल गया क्योंकि पहले ये के लिए था अब मिला पहले इस दौरान आपने इसको एग्जैम सप्लाई के लिए यूज किया था तो टीएई हमने कैलकुलेट किया क्लियर है यस सर क्लियर है अब आगे देखिए सर इसमें क्या हुआ इसमें क्योंकि आपने पहले क्रेडिट ले लिया था इसलिए हमने फिर से क्रेडिट नहीं लिया और इस दौरान इस टाइम में ये एग्जाम सप्लाई के लिए यूज नहीं हुआ था ये टैक्सेबल के लिए यूज हुआ था तो क्रेडिट मिला है तो सर टीएई का कैलकुलेशन नहीं होगा चले आगे अब मेरे को एक बात बताइए सर ये एसेट को अब मैं रब कर रहा हूं ठीक है मैं बोल रहा हूं ये एसेट को मैंने छह महीने ऑलरेडी यूज कर लिया है अब ये तो मैं रिवर्सल कर रहा हूं ना डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय एक्चुअली मैंने जब डिवाइडेडी को डिवाइड किया तो एक्चुअली स्कोर स्कोर तो डिवाइड किया डिवाइडेड बाय सिक्सटी किया इंटू e किया राइट इंटू बाई एफ किया यस और नो सर एक बात बताइए ई बाई एफ इसके लिए कितना महीना तक होगा सिक्सटी मंथ तक क्योंकि इसका लाइफ कितना है अभी बचा हुआ सिक्सटी मंथ इसके लिए ई एफ कितना महीना होगा सर सर क्योंकि डिवाइड बाय सिक्सटी करोगे क्योंकि छह महीने ऑलरेडी चले गए हैं अब ई एफ कितने महीने करोगे फिफ्टी फोर मंथ इसको आप सिर्फ ई एफ मंथ करोगे इसको सिक्सटी मंथ करोगे मतलब जैसे ही फिफ्टी फोर मंथ खत्म हो जाएगा तो ओनली सिर्फ ऊपर वाले एसेट का ई एफ करते रहोगे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताइए सर इसका ये टी सी डिवाइडेड बाई सिक्सटी करते हो ना एक्चुअली क्या होता है ना ए डिवाइडेड बाई सिक्सटी होता है और ये ए डिवाइडेड बाई सी होता है लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला ए डिवाइड बाई सिक्सटी मत करो टीसी डिवाइड बाई सिक्सटी करो टीएम आ जाएगा लेकिन आप देखिए ए डिवाइड बाई सिक्सटी आपको कितना दे रहा है हजार रुपए दे रहा है और ये भी आपको हजार रुपए दे रहा है अब ये हजार इंटू ई बाई आपको कितना कितना महीना करना है इसका लाइफ ये नया एसेट है सर ये नया एसेट है इसका लाइफ अभी 60 है ये एसेट जो है ये तो इधर खरीदा था सर छह महीने ऑलरेडी जा चुके हैं तो अभी ई e कितना कितना कितने महीने के लिए करूं सर फिफ्टी फोर मंथ क्योंकि लाइफ जो बचा हुआ है उतने के लिए ही ई e करना है लेकिन सर अभी के लिए आपको एग्जाम के लिए याद कर रखना है कि सर सिक्सटी किसको डिवाइड करोगे एक लाख बीस हजार को डिवाइडेड बाय सिक्सटी करोगे लेकिन एक लाख बीस हजार एक्चुअली हजार है और हजार है सर एक लाख बीस हजार दो हजार में हजार रुपया e कितने महीने करना है ये ऑलरेडी छह महीना यूज हो चुका है तो रिमेनिंग लाइफ फिफ्टी फोर मंथस ही है चले आगे चलिए सर अब मैं एक, आपको एक फाइनल फाइनल कंक्लूजन दे देता हूं कि आपको एग्जाम में भी कैसे करना है उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे चैप्टर क्लोज हो जाएगा सुनिए सर मैंने एक एसेट खरीदा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ले लेता हूं इस बार ठीक है आप बताओगे मैं नहीं करूंगा सर नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया आई नहीं मिलेगा सर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया आई

सर उसको हम बोलते हैं ए ए ठीक है और सर उसको ऐड करेंगे सिक्सटी थाउजेंड को ले लेंगे जो भी टैक्स है उसका उसको कहां डाल देंगे ई क्रेडिट लेजर में क्यों सर नया एसेट है पहले ले लो फिर अपोर्शनमेंट करेंगे ले लिया सर मैंने जनवरी में एक एसेट खरीदा था जिसको मैं नॉन बिजनेस पर्पज के लिए लिया था आईटीसी मिला था क्या नहीं मैंने एक एसेट खरीदा था एग्जाम सप्लाई के लिए आईटीसी लिया था क्या नहीं मतलब उस समय ई क्रेडिट लेजर में इसका क्रेडिट नहीं मिला था ठीक है अब सुनिए अब ये एसेट को मैंने सोचा कि मैं कॉमन पूल में डाल देता हूं इसको मैंने क्या किया कॉमन डाल दिया इस इस महीने से मैं इसको कॉमनली यूज करूंगा तो कॉमन हो गया कॉमन मतलब ए कितना अमाउंट है समझ लीजिए इसका अमाउंट था 1.2 लाख जीएसटी था 1.2 लेकिन नहीं लिया था उस समय तो अभी कितना होगा 1 लाख ट्वेंटी थाउजेंड इधर लिखिए और उसको ई क्रेट लेजर में ले लीजिए क्यों सर पहले नहीं लिया था चले आगे चलिए सर इस दौरान मैंने एक एसेट खरीदा था जिसको टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करना था वन लैख एटी थाउजेंड का उसका आईटीसी था और मैं इसको किसके लिए यूज करने वाला हूं इसको तो एग्जाम के लिए ओके वाले का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है सर ये जो मैंने एग्जाम सप्लाई के लिए ए यार वन मिनट इसको जो मैंने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया है उजेंड मैंने तो पूरा क्रेडिट ले लिया गवर्नमेंट बोलेगा रमेश तेरे को पूरा नहीं लेना था एक काम कर जितने मैंने उसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया उतना रिवर्स कर दे मतलब टैक्स इंट्रीम पीरियड के लिए जब उसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया कितने महीने के लिए यूज किया जैन टू सेप्टेंबर जैन फेब मार्च अप्रैल में जून जुलाई होगा सेप्टेंबर जैन फेब मार्च अप्रैल में जून जुलाई होगा सेप्टेंबर तीन क्वार्टर सर वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड Into 5 into 3 quarter, कितना है? आप ऐड करोगे? Output tax liability में सर input tax कितना लोगे? ये 120 input लिया लिया क्योंकि पहले नहीं लिया था अब पूरा क्रेडिट लिया और सर एटीन थाउजेंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड किया मतलब एक्चुअली मैंने एक लाख दो हजार ही तो लिया नेट ऑफ देखोगे तो एक लाख दो हजार ही तो हुआ चलें कैन वी गो हेड यस सर ये क्लियर हो गया है सर अब समझ लीजिए मैंने जैन में एक, एक एसेट खरीदा था जिसको मैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहा था टैक्स दिया था वन पॉइंट एट लाख कितना इसका क्रेडिट लिया था क्या क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया था ई क्रेडिट लेजर में इसका क्रेडिट लिया था अब मैंने इसको क्या किया इस महीने से अक्टूबर से सोचा कॉमन यूज कर लेंगे कॉमन यूज करेंगे सर इसको वन लाख एटी थाउजेंड के एसेट का क्रेडिट ले चुका था अब मैं इसको क्या करने वाला हूं कॉमन यूज करने वाला हूं कॉमन यूज मतलब ए कितना वन लाख एटी थाउजेंड लेकिन एक बात बताइए इसका क्रेडिट ले लिया था फिर से लू क्या सर इसको ई क्रेडिट लेजर में मत लीजिएगा फिर से क्यों सर क्योंकि एक बार ले चुके हो अब बताइए मेरे को ए, ए ए कितना हुआ टोटल क्रेडिट कितना हुआ? टोटल कॉमन क्रेडिट 180 एटी वन एटी थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड हुआ सर देखिए सर इसका तो मैंने क्रेडिट ये तो अलग ही है इसको तो ले लिया ये कॉमन यूज वाला था ये भी कॉमन यूज हो रहा है अब ये भी कॉमन यूज हो रहा है तो सर ये अपोर्सनमेंट में तो जाएगा अपोर्सनमेंट में तो जाएगा लेकिन इसका ई क्रेडिट में मिलेगा इसका मिलेगा इसका भी अपोर्सनमेंट होगा लेकिन क्रेडिट फिर से नहीं मिलेगा कितना हुआ? तीन तो टोटल क्रेडिट रुपीज हुआ मंथली पोर्शन एग्जाम सप्लाई रिलेटेड पोर्शन बताइए सिक्स थाउजेंड अगर एग्जाम सप्लाई का टर्न था दस लाख और टोटल टर्न था पचास लाख अब साठ लाख कर देता हूं बताइए इन एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल टर्न ओवर एफ तो ये होगा टेन डिवाइडेड बाई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में डालना है क्लियर है कोई इशू एनी डाउट्स सर अब एक बात बताइए इधर सर अब एक बात बताइए इसको आपको ई क्रेट लेजर में नहीं लेना ठीक है, है और सर एक बात बताइए ये जो टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड था अब मैं इसको कॉमन यूज कर रहा हूं इसका टीआई कैलकुलेट करूं क्या क्यों नहीं करोगे क्योंकि टैक्स फॉर द इंट्रीम पीरियड वेन यू हैव ओनली फॉर एग्जाम सप्लाई तभी कैलकुलेट करना है टीआई इधर आप टीआई कैलकुलेट नहीं करोगे देखिए बाबा इस टाइम तो आपने इसको टैक्सेबल के लिए यूज किया था ना तो जब टैक्सेबल के लिए यूज किया है, तो क्यों रिवर्स करना है उस पीरियड के लिए लेकिन जब एग्जाम के लिए यूज किया था तो रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपको पूरा क्रेडिट मिला है क्लियर है अब सुनिए ना एक बात बताइए सर ये तो ई बाई एफ कितना महीने के लिए होगा सिक्सटी मंथ्स के लिए ये कितने महीने के लिए होगा नाइन चला चले गए फिफ्टी वन मंथ्स के लिए ये कितने मंथ्स के लिए होगा फिफ्टी वन मंथ्स के लिए आर वी क्लियर एवरी वन आर वी क्लियर एवरी वन यस सर हो गया है ये फाइनल कंक्लूजन है ध्यान रखना है आपको एग्जाम में देखिए एग्जाम सप्लाई वाला जो एसेट था एग्जाम सप्लाई वाला जो एसेट था उसका क्रेडिट पहले नहीं लिया था अब ले लिया इसका पहले ले लिया था तो अब नहीं लेंगे एग्जाम सप्लाई रिलेटेड था तो टीआई कैलकुलेट किया टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है तो टीआई नहीं आएगा सिंपल है बुक में आइए क्वेश्चन है पेज नंबर थर्टीन पॉइंट सेवन में देखिए ये क्वेश्चन देख रहे हो सर मैं कराऊं आप करोगे सर आप कराइए ना सर आप कराइए ना अरे देख ले मैं करता हूं एवरी वन ओवर हियर क्वेश्चन क्या बोल रहा है केपीआई लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट बड्डी ठीक है हिमाचल प्रदेश जैसे स्ट्राइक होता है सर मेरे को याद आता है ओक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अदर स्टेट असम जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए लिमिट 40 लाख था सर इतना तो याद करते रहना पड़ेगा रिवाइज करते रहना पड़ेगा चलिए सर द कंपनी मैनुफैक्चर टू प्रोडक्ट एक्स टी एंड एस टी एक्स टी इज टैक्सेबल एस टी इज एक्सम सर एक्सटी बनाता है वो टैक्सेबल है एस टी बनाता है वो एक्ज है नेक्स्ट केपीआई एस फर्निज द फॉलोइंग मशीन वन परचेज ऑन फर्स्ट जुलाई बाबा जुलाई बना लू जुलाई मशीन वन फॉर बींग यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स टी एंड एस टी सर, एक्स टी और एस टी दोनों मतलब कॉमन यूज है तो एक काम कर नीचे लिख लेते हैं कॉमन यूज कितना कॉमन यूज मतलब ए सेवेंटी टू थाउजेंड क्रेडिट मिल जाएगा क्या ई क्रेडिट लेजर यही लिख लेना क्लोज हो गया आगे बढ़िए नेक्स्ट मशीन टू परचेज ऑन फर्स्ट जुलाई फॉर बींग एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सटी एक्सटी मतलब टैक्सेबल सप्लाई राइट सर एक्सटी मतलब टैक्सेबल सप्लाई ये कौन सा है मशीन वन था ये मशीन टू है टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करोगे मतलब ई क्रेडिट लेजर में मिलेगा कितना थर्टी सिक्स थाउजेंड सर थर्टी सिक्स थाउजेंड में ई क्रेडिट लेजर में लूंगा सर इसका लेकिन अपोर्शनमेंट कुछ नहीं होगा ये तो टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है चले आगे चलिए मशीन थ्री बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एस टी वन लैक एट बोलिए सर मशीन नंबर थ्री एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करूंगा आईटीसी नहीं मिलेगा ई क्रेडिट लेजर में आईटीसी नहीं जाएगा सिंपल है तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया इतना आपको समझ में आ गया चलिए आगे बढ़े अब कॉमन के मशीन फॉर परचेज ऑन फर्स्ट अक्टूबर लास्ट ईयर फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एसटी एसटी मतलब एग्जाम सप्लाई सर कब लिया था लास्ट ईयर अक्टूबर में लिया था एग्जाम सप्लाई के लिए लिया था कितना टैक्स था उसपे वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर थाउजेंड एक बात बताइए इसका ई क्रेडिट लेजर में टैक्स लिया था क्या क्योंकि एग्जाम सप्लाई लिया था। आगे पढ़िए फ्रॉम फर्स्ट जुलाई सच मशीनो बी यूज फॉर एक्सटी से क्या करोगे एक्सटी भी मैन्युफैक्चर करोगे तो इसको आप क्या कर रहे हो कॉमन यूज में डाल रहे हो कॉमन ना ऑल्सो बी यूज फॉर एक्सटी एस टी से एक्सटी में भी आ गया कितना ए? कितना फोर्टी फोर थाउजेंड यह सर पहले तो नहीं लिया था अब ई क्रेडिट लेजर में ले लोगे देखिए एक बात बताइए सर ये एसेट एग्जाम सप्लाई था ना तो टैक्स रिले फॉर द इंट्रीम पीरियड रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई वन फोर्टी फोर थाउजेंड इंटू फाइव परसेंट हाउ मेनी क्वार्टर्स अक्टूबर से लेके जून तक अक्टूबर नवंबर डिसंबर जैन मार्च अप्रैल में जून थ्री क्वार्टर क्वार्टर इज ऑलवेज फिक्स्ड जैन फेब मार्च अप्रैल में जून जुलाई होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर इज ऑलवेज फिक्स बाबा तो यहां क्वार्टर क्या है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल में जून तीन क्वार्टर हो गए तीन क्वार्टर का इन टू थ्री मच ट्वेंटी वन क्या करोगे इसको ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जाएगा अभी तक आईटीसी किसका किसका मिल रहा है सर ये मिल रहा है ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है आगे बढ़े चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर मशीन फाइव परचेज ऑन फर्स्ट जनवरी फॉर बीइंग यूज एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग एक्सटी सर मैं एक काम करता हूं एक्सटी मतलब टैक्सेबल यहां कर दू जनवरी मतलब सर यहां पे लिया गया था नहीं जनवरी यहां हो गया सर जनवरी जनवरी में मैंने एक एसेट लिया था कौन सा एसेट फाइव कितना रुपया दिया था उसके लिए एटीन थाउजेंड दिया थे टैक्सेबल सप्लाईज के लिए लिया था एटीन थाउजेंड टैक्स दिया था ई क्रेडिट लेजर में मिला था क्या मिल चुका था सर ऑलरेडी अब सुनिए फ्रॉम फर्स्ट जुलाई सच मशीन विल ऑल्सो बी यूज फॉर एस टी मतलब कॉमन यूज में डाल दिया सर जुलाई में क्या किया इसको जुलाई में लाया और कॉमन में मतलब कॉमन में डाल दिया ए कितना 18,000 अगर एटीन 18 थाउजेंड यहां क्रेडिट लेजर में मिलेगा क्या सर यहां मिल चुका था ऑलरेडी फिर से नहीं मिलेगा ध्यान रखना फिर से नहीं मिलेगा कैन आई गो एट एवरी वन सर इसका कोई टी आई होगा क्या सर क्योंकि टैक्स ओनली फॉर द इंट्रीम पीरियड फॉर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड ये तो आपका टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ था तो टी भी नहीं होगा चले चलिए नेक्स्ट सर मशीन अगो फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सटी एंड एस टी सुनिए दो साल पहले खरीदा था वो भी तो होगा ना एसेट कॉमन यूज हो रहा होगा ना कॉमन यूज हो रहा होगा नहीं होगा सर एक लाख आठ हजार रुपए का एसेट था सुनिए दो साल पहले खरीदा था लेकिन वो कॉमन तो यूज हो रहा है ना तो यहां मैं लिखूंगा कॉमन यूज में मैं लिखूंगा कि सर कॉमन यूज में और एक एसेट था पहले का जो कॉमन यूज हो रहा है जिसको मैं ए डालूंगा कितना वन लाख एट थाउजेंड सुनिए इसका क्रेडिट मैंने जब दो साल पहले खरीदा था ना कॉमन यूज के लिए तभी ले लिया था तो अभी फिर से इसको ई क्रेडिट लेजर में मत डाल देना इसको हमने सिर्फ लिखा है अपोर्शनमेंट के लिए क्योंकि इसका भी तो एक पोर्शन होगा ना जिसको हमको रिवर्स करना है समझ में आया नहीं आया चलिए टोटल बोलिए टीसी बोलिए टीसी बोलिए बाबा जल्दी थ्री लैख फोर्टी टू थाउजेंड टी एम बोलिए थ्री फोर्टी टू डिवाइड बाई सिक्सटी 5700 थाउजेंड बोलिए सर सर एक सेकेंड अमाउंट ऑफ आई क्वेश्चन क्या पूछा है क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अब मेरे को बताइए कौन सा कौन सा क्रेडिट मिलेगा बोलिए सर 72 144 एंड 36000 बोलिए कितना टू टू थाउजेंड सर वो खुशी जो चेहरे पे आ रही है यस सर टी आई ई बताइए टी आई बताइए टी आई बताइए ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड नेक्स्ट सर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टी सी बताइए टी सी बताइए सर थ्री लैख फोर्टी टू थाउजेंड सर टी एम बताइए फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड राइट चले आगे ऑल द कंडीशन आर फुलफिल्ड मेक योर सुटेबल एक्सम्स वेर एवर रिक्वायर्ड इतना ही मांगा है आपसे अब मैं इस क्वेश्चन में एडिशन कर दू अगर वो आपको बोल देते हैं एग्जाम सप्लाई का टर्न है दस लाख टोटल टर्न है पचास लाख कितना होगा रिलेटिंग टू तो एग्जाम सप्लाई दस लाख एग्जाम सप्लाई है टोटल तो, टर्न ओवर पचास लाख है बोलिए फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड इंटू टेन डिवाइडेड बाई फिफ्टी कितना हुआ वन वन okay. ये आपको क्या करना है आउटपुट टैक्स लाइवलिटी में डालना है क्लियर है क्लियर हुआ यस सर सुनिए टू फिफ्टी टू देखिए पहला आंसर टू फिफ्टी टू टू फिफ्टी टू ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड थ्री फोर्टी टू थ्री फोर्टी टू फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड फाइव थाउजेंड से प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे लिख के नहीं आ पाओगे और ये ड्राइंग बना के आए ना तो एक मार्क भी नहीं मिलेगा लेकिन ड्रॉ नहीं करोगे तब तक समझ भी नहीं पाओगे अरे एग्जाम में लास्ट पेज में ड्राइंग कर लेना समझ लेना अच्छे से कोई इश्यू नहीं है अब मेरे को एक बात बताइए मैं आपको एडिशनली एक बात पूछना चाहता हूं जो अगर आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए हो ठीक है सर पहला जो ये एसेट था कॉमन एसेट वाला ये कितना महीने तक आप ई बाई एफ करते रहोगे सिक्सटी मंथस क्लियर है सेकेंड जो एसेट था ये कितने महीने तक ई बाई एफ करोगे सर इधर नौ महीने तो चले गए एक सेकेंड सर यहां नौ महीने तो चले गए कितने महीने बचे इन टू ई बाई एफ जो कर रहे हो वो फिफ्टी वन फिफ्टी वन मंथ के लिए करोगे करेक्ट थर्ड एसेट जो था उसको ई e बाईए कितने महीने के लिए होगा क्यों सर क्योंकि ये जनवरी से लिया गया है तो छह महीने पुराना ही है तो सर इसको अभी रिमेनिंग लाइफ कितना है इसका छह महीने चले गए फिफ्टी फोर मंथ के लिए ही करोगे सर ये जो लास्ट एसेट है दो साल पहले लिया था अब कितने साल बचे हैं सर दो साल मतलब चौबीस महीने चले गए थर्टी सिक्स मंथ बचे हैं तो इसको थर्टी सिक्स के लिए ई बाई एफ होगा लेकिन सर हमने इसको टोटल को डिवाइड बाई सिक्सटी इसलिए किया क्योंकि सारे ही तो कॉमन है अभी लेकिन सर थर्टी सिक्स मंथ के बाद इसका रिवर्सल होना बंद हो जाएगा फिफ्टी फोर मंथ के बाद इसका रिवर्सल होना बंद हो जाएगा फिफ्टी वन के बाद इसका कोई रिवर्सल नहीं होगा और सिक्सटी रिवर्सल बंद हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में बाबा इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है वो पूछ सकते हैं सर लिखने दीजिए ना बाबा पॉज दबाइए और लिख लीजिए कोई इश्यू नहीं है मेरे को समझाना था मैंने समझा दिया अब पॉज कीजिए और फटाफट -फड़ लिख लीजिए चले आगे सर तो हमारा टेक्स्ट बुक में को एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था पेज नंबर थर्टीन पॉइंट सेवन पे वो भी मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर एटीन राइट एवरी चलिए आप सुनिए अब क्या होता है ना ये जो आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड कर रहे हो ना ये जो आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड कर रहे हो इसको आपको एड करना है विथ इंटरेस्ट सर जो आप ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड कर रहे हो ना क्या ये विथ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को रिटर्न देना होता है कैसे सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाबा आपको एग्जाम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं पूछते हैं फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में एक बार बोल देता हूं सुनिए मैंने एक, एक एसेट खरीदा इन द मंथ ऑफ जुलाई ठीक है मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं जितना जरूरत है उतना एग्जाम में इंटरेस्ट इग्नोर करने ही बोलते हैं जनरली जुलाई मंथ में कैसे सर जुलाई मंथ में मैंने एक एसेट खरीदा नॉन बिजनेस पर्पज आई मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सर एग्जाम सप्लाई आई मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई आई लेजर में मिलेगा सर, के लिए एक एसेट खरीदा कॉमन यूज के लिए खरीदा, उसका जीएसटी था साठ हजार सर क्या होगा ए ए टी टीसी क्या होता होगा सिक्सटी थाउजेंड टी एम कितना होगा डिवाइडेड बाई सिक्सटी वन थाउजेंड टीई कितना होगा वन इंटू एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल टर्न ओवर करेक्ट टोटल टर्न ओवर कितना है समझ लीजिए दस लाख डिवाइडेड बाय एक करोड़ वन सीआर सौ रुपया आपको कहां ऐड करना है एग्जाम सप्लाई रिलेटेड आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं जाएगा राइट अब मैं आपको इंटरेस्ट रिवर्सल सिखा देता हूं सुन लीजिए कि सर इंटरेस्ट के लिए क्या होता है कैसे होता है रिवर्सल लेकिन आपको एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है यह तो सुनिए आप जब जुलाई मंथ का 20th अक्टूबर को आईटीसी लोगे ना क्लेम कैसे करोगे जीएसटीआर आर थ्री बी में तो ट्वेंटी को जब जीएसटी GSTR... होगा ना ठीक है ट्वेंटी 20... फीलिंग्स ही है फीलिंग्स म्यूचुअल है आप जो सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूं सर यहां जुलाई था ट्वेंटी अगस्त आप क्या करोगे आप बोलोगे सर ये छोड़ दीजिए एक बार ये ये छोड़ दीजिए आप बोलोगे सर मेरे को मिलना है क्रेडिट सिक्सटी थाउजेंड यस आप बोलोगे मेरे को रिवर्स करना है सौ रुपए सौ रुपया आप रिवर्स कर दोगे गवर्नमेंट आपको कितना देगा फिफ्टी नाइन नाइन हंड्रेड तो एक बात बताइए बताइए ये सौ रुपया आपने कोई यूज किया क्या अभी तक नहीं किया सर ये पहला महीना ही था पहला महीना ही था मैंने को गवर्नमेंट ने दिया ही फिफ्टी नाइन नाइन हंड्रेड यस और नो तो सर पहले महीने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है अब सुनिए अब ये ऑगस्ट मंथ है अगस्त मंथ में आपने फिर से टी मंगाया टीएम कितना होगा फिर से ये जो हजार है इधर भी हजार होगा ये आप ऑलरेडी ले चुके हो यहां पे यहां आप ये यह हजार रुपए ले चुके हो यस और नो पहले मंथ तो आपने लिया ही बीस अगस्त को और बीस अगस्त को ही रिवर्स कर दिया सर बीस अगस्त को साठ लिया बीस अगस्त को ही सौ दे दिया तो कोई इंटरेस्ट आएगा ही नहीं क्योंकि रिवर्सल सौ रुपए का बीस अगस्त को ही कर दिया तो एक्चुअली मैंने फिफ्टी नाइन नाइन हंड्रेड ही लिया अब अगस्त मंथ में क्या हुआ ये जो हजार था दिस रुपीज एग्जाम सप्लाई रिलेटेड इन टू टेन बाई वन करोड़ इस, इस इधर का टर्न समझ लीजिए ट्वेंटी लाख था टोटल टर्न ओवर फोर्टी लाख था कितना रिवर्सल करना है 500 अब गवर्नमेंट बोलेगा बेटा सुन ये 500 तो तू इधर ही ले चुका था तू मेरे को वापस दे रहा है कब 28 सितंबर को जब रिटर्न फाइल करेगा तब ये पांच सौ गवर्नमेंट को रिवर्सल करके गवर्नमेंट को देगा अपने लाइबिलिटी में तो गवर्नमेंट बोलेगा सुनना तूने पांच सौ रुपया यही ले लिया था रिवर्स कब कर रहा है बीस सितंबर को तो एक महीना का इंटरेस्ट दे समझ में आया अब सुनिए सर एक और महीने का बता दीजिए ना सुन लीजिए सर अब समझ लीजिए ये सेप्टेंबर मंथ है सेप्टेंबर मंथ है फिर हजार रुपया आया ये हजार रुपया आप ऑलरेडी ले चुके हो करेक्ट कब लिया था ट्वेंटी अगस्त को ये सेप्टेंबर मंथ चल रहा है तो सर टी ई होगा थाउजेंड इंटू टर्न समझ लीजिए एग्जाम सप्लाई का दस लाख था सर और टोटल टर्नओवर भी दस लाख था कितना देना है गवर्नमेंट को पूरा हजार रुपया गवर्नमेंट तो कब दोगे ट्वेंटी को दोगे जब September का फाइल करोगे। तो जब ये ट्वेंटी अक्टूबर को ये हजार रुपये गवर्नमेंट को दोगे ना गवर्नमेंट बोलेंगे बेटा इसको आपने ले लिया था कब 20 अगस्त को तो एक महीने का इंटरेस्ट और दो महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा इनटू टू मंथ्स इनटू जो भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल है एटीन परसेंट बेसिकली आपको इंटरेस्ट के साथ रिवर्सल करना पड़ेगा थर्ड सर जब करोगे पहला मंथ में जो भी रिवर्सल होता है सर ये पहला मंथ में जो रिवर्सल हुआ उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा सेकेंड मंथ में सिर्फ एक महीने का आएगा थर्ड मंथ में सिर्फ दो महीने का आएगा आर वी क्लियर एवरी वन इंटरेस्ट का इससे ज्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा एग्जाम में भी वो नहीं पूछेंगे अगर पूछ लिया तो बाबा इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे टेंशन मत लो आप राइट right एवरीवन अब सुनिए सर एक बार इसको आपने चार्ट में भी दिखा दीजिए हाँ बाबा चार्ट में भी दिखा देता हूं सुन लीजिए देख लीजिए सर चार्ट दिखा दीजिए ये देखिए सर अगर नॉन बिजनेस परपस और एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है तो आई इनकम इनपुट को डिक्लेअर कर दीजिए जीएसटीआर 3बी में और GSTR2 में और गवर्नमेंट आपको क्रेडिट नहीं देगी आप बोल दीजिए सर ये बिजनेस का है और सी नहीं मिलेगा सर अगर आपने यूज किया नॉन एग्जाम इंक्लूडिंग कॉमन मतलब तो, दे तो उसको ए लिखिए अगर कोई पहले यूज हो रहा था फॉर मेकिंग नॉन बिजनेस एग्जाम सप्लाई और आप उसको टैक्सेबल कर रहे हो तो सर उसको ए एड कीजिए उसके लिए टी कैलकुलेट कीजिए यस और नो सर उसके लिए आप टी आई कैलकुलेट कर लीजिए उसके बाद लिखा है टोटल कॉमन क्रेडिट विल बी टी सी सर टी सी को टीएम डिवाइडेड बाई सिक्सटी कीजिए टीएम आएगा टीएम जो है इन टू बाई एफ आपको टी देगा टी को आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना है और याद रखिए टीई आप सीजीएसटी एच जीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी के लिए सेपरेट सेपरेट डिक्लेयर कैलकुलेट कीजिए और जीएसटी आर थ्री बी में डिक्लेयर कर दीजिए रूल नंबर फोर्टी थ्री एंड होता है यहाँ पे बाबा टेक्सट बुक अब आप पढ़ लीजिएगा आई डोट थिंक सो आपको टेक्सट बुक में कोई भी प्रॉब्लम होगा आर वी क्लियर एवरी वन यस सर समझ में आ गया टेक्सट बुक का जो है ये खुद पढ़ लीजिएगा आपको आराम से समझ में आ जाएगा राइट एवरी वन लेकिन आप टेक्सट बुक में जब पढ़ोगे ना तो आप एक जगह देखोगे की गवर्नमेंट ने क्या किया ना यहाँ पे टी आर लिखा है ये एक्चुअली टी एम इन टू ईवाई एफ होना चाहिए लेकिन लॉ में क्या लिखा हुआ है टी आर लिखा हुआ है एक्चुअली टी आर पहले था जो डिलीट हो चुका है ऑलरेडी तो जब टी आर डिलीट हुआ तो यहाँ टीएम आना चाहिए था लेकिन लॉ में ये करेक्शन नहीं हुआ है तो मैंने आपको एक्चुअल पढ़ा दिया है क्या होगा एक्चुअल क्या होगा टीएम एवरी वन राइट यही था यहाँ पे आपको समझने लायक जो था राइट right? अब बैंकिंग कंपनी रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट क्लास राइट एवरी वन कैन वी गो हेड एवरी वन यस सर हो गया बाबा रूल नंबर फोर्टी टू एंड फोर्टी थ्री एंड ओवर हियर सर याद रहेगा फिर से बोल दो सर अगर नॉन बिजनेस पर्पज है नहीं लूंगा बिजनेस पर्पज है एग्जाम सप्लाई है तो नहीं लूंगा टैक्सेबल सप्लाई है तो आईटीसी मिल जाएगा कॉमन यूज है ले ले डिवाइड बाई सिक्सटी कर मंथली पोर्शन आएगा इन टू वाई एफ कर एग्जाम सप्लाई का पोर्शन आएगा चैप्टर क्लोज राइट एवरी वन बाइगाइस